आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ मीट बॉल्स की, फ्राई कोफ्ते की, बिना कोई शेरवे के फ्राई कोफ्ते के लिए। मैं पहले 1/2 किलो खैमा लियो, अच्छे से 2-3 टाइम अच्छे से वॉश करने के बाद इस तरह से प्लेट में नीचे रखी हूँ, और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकलने के वास्ते। तो चलिए इसके लिए क्या क्या मसाला चाहिए वो दिखा देती हूँ, बहुत ईजी है और बहुत झटपट भी बनती है। तो चलिए रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फुटाने 50 ग्राम फुटाने लियो और 1 टीस्पून सॉल्ट डालू, इसका एक पाउडर बना चु मैं। कोथिमीर, काली मिर्च 1 टीस्पून, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट होममेड, तो 1 ऑनियन ले कहूँ, अब इसका एक अलग से पेस्ट बना चु। तो चलिए पहले मैं इन दोनों का पेस्ट बना ले चु, इसका पाउडर बना चु, इसका पाउडर बना चु और इसका पेस्ट बना चु। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले मैं इसका दाने और नमक का पाउडर बना लियो, थोड़ा सा पहले खाइमा पीसना है, बस थोड़ा थोड़ा से करके डालना है। अगर एक ही साथ से हमें जार में पूरा खाइमा डाल डाले तो अच्छे से नहीं पीसता, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके तीन टाइम पीसना। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं अच्छे से खाइमा को पीस डाली हूँ। देखो वापस से हमें फिर से पीसना भी है इसे पूरे मसाले के साथ। तो मैं अभी खाइमे को इसी में निकाल लेती हूँ मसाले के साथ। अब वापस से इसमें मैं खाइमा डालती हूँ, फिर से थोड़ा ऐसा करके मैं पूरे खाइमा को पीस लेती हूँ। तो चलिए पूरा खाइमा पीस को मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए सारे खाइमे को मैं अच्छे से पीस लूँ, देख लीजिए। तो देखिए अच्छे से हमारा खाइमा पीस चुका है। अब इन सारे मसालों के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर डालू। उससे पहले मैं इसमें सूखे मसाले भी ऐड कर रही हूँ। सूखे मसाले में ले रही हूँ मैं सबसे पहले चिल्ली पाउडर 2 टीस्पून, तीखा लाल चिल्ली पाउडर, इससे कलर भी बहुत अच्छे से आता है और हमारे कोफ्ते में अच्छे से टेस्ट भी रहता है। और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और थोड़ा सा नमक भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून नमक इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। तो काफ़ी है ये भी। तो चलिए मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर डालती हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड्स।
ताकि हर खैमे में हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और सब कोफ्ते में टेस्ट बराबर से रहे। तो देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने ही मैं सब मसाले को अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। तो वापस से मैं इसे मिक्सी में दाल को पीसूं, थोड़ा थोड़ा सा करके तीन टाइम। देख लीजिए, अगर थोड़ा सा भी खैमा रहती मोटा मोटा रहा तो अच्छे से पीस जाए, इसी के वास्ते मैं थोड़ा थोड़ा सा करके तीन टाइम वापस से इसे पीस लेती हूँ। तो चलिए, मैं सारा खैमा ऐसे ही पीस लेती हूँ, ये साइड कर डालती हूँ, पीसा हुआ खैमा इधर डालती हूँ और ये खैमा पीसती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं दूसरा टाइम भी खैमा अच्छे से पीस ली हूँ और ये इसमें और इसमें देखिए डिफरेंट। हाँ, ये एकदम सॉफ्ट है, देख लीजिए ये एकदम सॉफ्ट है और ये थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है क्योंकि हमें मसाले भी मिक्स कर हुए, इसीलिए तभी इसे भी ग्राइंड कर लिया तो हमें अच्छे से मसाला हमारा मिक्स हो जाता और सॉफ्ट भी होती। यही ट्रिक है सॉफ्ट होने के कोफ्ते। तो चलिए, मैं ये भी दाल डाल रही हूँ। मैं इसी बर्तन में दो साइड क्यों करूँगा, तो 10 बर्तन क्यों यूज़ करना है, एक में जब हो सकता है काम तो यूज़ कर लेना, हमारे लिए हम खुद क्यों काम बढ़ा लेना। इसी के वास्ते मैं एक ही बर्तन में सब कुछ कर रही हूँ ताकि इजी भी हो, आप लोगों को भी इजी हो और आप लोगों को भी ज़्यादा काम ना लगे, इसीलिए आप लोगों का ध्यान रख के मैं काम कर रही हूँ। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हैं, हम इसे भी पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, सारे मैं कोफ्तों को अच्छे से मिक्स कर लूँ और देख लीजिए 1 टीस्पून नहीं 2 टीस्पून मैं इसमें तेल ऐड कर रही हूँ, ये हाथ में ज़्यादा ना चिपके इसीलिए। तो अभी इस तेल के साथ अच्छे से मस लूँगी मैं। तो 5 मिनट तक इसे रेस्ट होने छोड़ती हूँ, उसके बाद मैं इसके बॉल्स बनाती हूँ। बॉल्स नहीं टूटने का भी एक तरीका है, आप वीडियो में बने रहिए, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिए बॉल्स हमारे किस तरह से। अगर हमारे आपके बॉल्स टूट रहे हैं तो आप इसे फिल वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपके बॉल्स नहीं टूटेंगे, ये गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ। तो चलिए, मैं इसे 5 मिनट रेस्ट होने छोड़ती हूँ और प्लेट में डाल चुकी हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 5 मिनट हो चुके हैं और देख लीजिए हमारा खैमा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, देख लीजिए एक लाइन भी अच्छे से बिट रही है। तो चलिए, मैं इसमें देखिए हाथों में दो भी हाथ अच्छे से वॉश करी हूँ और मेरे हाथों में पानी है, तो हमें पहले इस तरह से बॉल्स को अच्छे से मसलना है, दबाना है अच्छे से इस तरह से, जो भी एक्स्ट्रा निकलता है इधर लगा डालना। तो देख लीजिए अच्छे से मैं बॉल्स को इस तरह से प्रेस कर रही हूँ ताकि कहीं भी क्रैक ना आए, इसीलिए अभी मैं दोनों हाथों से अच्छे से इसे सेट कर चूं। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बॉल्स में कहीं भी क्रैक नहीं है, यही ट्रिक है फ्रेंड्स, हल्के हाथों से इसे हमें इस तरह से करना, देख लीजिए कहीं भी क्रैक नहीं है और एकदम मसालेदार कोफ्ता बन के रेडी है, कहीं भी क्रैक नहीं है, देख लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए, वापस से मैं दूसरा भी करके दिखाती हूँ। ये एक प्लेट में रख लेती हूँ मैं, वापस से मैं हाथों को थोड़ा सा पानी लगा चू। तो देख लीजिए पानी तो लगा ली मैं, वापस से इसे ऐसे उठाती हूँ, अच्छे से हाथों में इस तरह से दबाती हूँ मैं, अच्छे से मुट्ठी दबा दबा को लेती हूँ ताकि क्रैक ना आए, इसीलिए बाद में दोनों हाथों से इस तरह से मस लूँगी हल्के हल्के हाथों से। तो यहाँ पे देख लीजिए एक और कोफ्ता मैं बना डालूँ। रेडी है और कहीं से भी क्रैक नहीं है। तो चलिए, सारे कोफ्तों को हमें इसी तरह से बनाना है, तो सब कोफ्ते में अच्छे से इसी तरह से बना ले चू। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, सारे बॉल्स में बना लूँ मीट बॉल्स। तो देख लीजिए, और दूसरी तरफ मैं इधर पैन चढ़ा डालू, तेल गरम को रख डालू मैं इधर नॉन स्टिक पैन में, जैसा है हमारा तेल गरम होता है वैसा ही हम इसमें
कोफ्ता फ्राई करते हैं। तो चलिए हमारा तेल गरम हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो चुका है, तो मैं कोफ्ते को डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम हाई ही है, तेल में हाथ मत डालिए फ्रेंड्स, मुझे आदत है इसीलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपको इस तरफ कुत्ता इधर उधर हलाने का है तो आप स्पून यूज करिए, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। बीच में मैं दो डाल रही हूँ क्योंकि प्लेट खाली है, इसीलिए दो नहीं तीन डालती। तो चलिए दो मिनट तक मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। तो यहाँ पे दो मिनट हो चुके हैं, तो मैं हल्के हाथों से इसे हलाती हूँ। प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक स्पून से भी इसे हला सकते हैं। तो हर दो मिनट को हमें इसे पलटाते रहना फ्रेंड्स, तभी हमारा कोफ्ता अच्छे से अंदर से पकेगा। ज़्यादा हमें इसका अच्छे ज़्यादा ब्राउन नहीं, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है हमें, तभी हमारा कोफ्ता अच्छा रहता। नहीं तो ज़्यादा अगर हमें इसे ज़्यादा कुक करें तो ये फुल जल जाता और इसका खाने में टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता। तो इसीलिए हमें इधर पर ही खड़ के कोफ्ते को हलाते रहना दो दो मिनट छोड़ को। आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ना, वैसी तरह से आप भी करिए। तभी हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई होंगे। गैस का फ्लेम हाई ही है तो इसीलिए जल्दी कोफ्ते भी हमारे, देखिए कोफ्ते हमारे फट रही नहीं और फटते भी नहीं क्योंकि इसमें स्क्रैचेस नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए हम कोफ्ता पक्को है या नहीं, अगर तो हम ये चीज़ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं नाइफ डाल रही हूँ, अगर आपके पास टूथपिन है तो आप डालिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो देख लीजिए थोड़ा सा भी चिपका नहीं है, तो हमारा कोफ्ता अच्छे से पक चुका है। तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ एक अलग से बॉल में। तो यहाँ पे देखिए निकालने से पहले मैं इसे फिर से एक मिनट तक इस तरह से सारे कोफ्तों को हला के फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, कोई सा भी कोफ्ता कच्चा ना रहे, इसीलिए मैं इस तरह से इसे हला रही हूँ और एक एक मिनट में ये कर रही हूँ। दो सेकेंड एक सेकेंड में इसे मैं हलाते जा रही हूँ। तो हल्के हाथों से फ्रेंड्स, तो चलिए इधर हमारे कोफ्ते
बन के रेडी है। मैं अलग से बॉल में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए हो चुका है। वापस से मैं गैस का फ्लेम लो कर को हूँ। वापस से मैं जो कुत्ते फ्राई करने हैं वो दाल डाल चु। तो चलिए वापस ये कुत्ते को भी अच्छे से फ्राई कर ले चु। गैस का फ्लेम हाई रख। तो वापस से मैं इसे फ्राई डाल चु फ्रेंड। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं इसीलिए। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स हमारे मीट बॉल्स फ्राई हो चुके हैं। देखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं, खाने में भी इतने मजेदार हैं। मेरे बच्चे इसमें से आधे मेरे बच्चे उठा के खा लें। कैसा लगे इस्माइल, कैसा लगे उठा के ना? देख लीजिए फ्रेंड्स आप मेरे बच्चों से भी सुन लिए, इसमें से बहुत ज्यादा थे और उसमें से बहुत ज्यादा खाली भी हो गए। अभी ये नजर उनकी इसी पे टिकी हुई है मीट बॉल खाने की। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।